सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ उसके अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए अमेरिकी व्यापार कानून के उन प्रावधानों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है जिनका अब तक बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह कहा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है, प्रशासन अमेरिकी व्यापार कानून के उन कुछ गिने चुने प्रावधानों को अमल में लाने पर विचार कर रहा है जिनका अब तक बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। इनके तहत यह पता लगाया जाएगा कि क्या चीन की बौद्धिक संपत्ति नीतियां अनुचित व्यापार व्यवहार के अनुरूप हैं। अमेरिका के 1974 के व्यापार कानून के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार व्यवहार से अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए किसी भी दूसरे देश के खिलाफ शुल्क लगाने अथवा दूसरे व्यापारिक प्रतिबंध लगाने का एकतरफा अधिकार दिया गया है। पत्र ने कहा है कि इस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल कर अमेरिका को चीन के निर्यातकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा अमेरिका की कंपनियां चीन को आधुनिक प्रौद्योगिकी देने के लिए और कड़े नियम तय कर सकती हैं या फिर अमेरिका चीन के संयुक्त उद्यम में कड़ी शर्तें रखी जा सकती हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।